रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी जी हैं। सर, देश के लिए, समाज के लिए, एक भारतीय के लिए बहुत दुख का पल, हमारे बीच रतन जी नहीं रहे। जी, तो वो हमारे देश के लीडर रहे। लीडर इसलिए रहे कि वो एक क्या बताएं, एक इंसान थे जो देश के लीडर के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि इतने बड़े होते हुए भी कैसे साधारण तरीके से रहते थे, कैसे साधारण तरीके से उनके विचार थे। वो कभी भी ऐसे नहीं सोचे कि वो देश विदेश में सब टाटा का सब कुछ था, लेकिन उनके यही विचार थे कि हमारे देश की कैसी प्रगति हो। घर में बहुत साधारण तरह से रहते थे, जानवरों कुत्ते के लिए जो प्यार रखते थे वो शायद कभी भी ऐसे बहुत कम इंसान देखे हैं जो इतने ऊंचाई पर पहुंचे हुए, इतने शीघ्र पर पहुंचे हुए। मुझे याद है हम राजभवन में उनको डॉक्टरेट दिलाते थे और उनको तो काफ़ी डॉक्टरेट मिल चुके थे, हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा भी हम दिए, लेकिन वो ऐसे बता रहे थे कि आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। कभी भी ऐसे नहीं लग रहा था कि इतने बड़े इंसान के साथ हम शरीक होते थे। घर में जाते थे, लास्ट बार आए वो गाड़ी तक मुझे छोड़ने को आए घर में। और ऐसे जो उनकी सिंप्लिसिटी रही है, शायद ये उदाहरण हमें हमेशा सीखना है कि कितने भी ऊंचाई पर हम चढ़ जाए, कितने भी ऊंचाई पर चढ़ जाए, लेकिन हम साधारण मनुष्य के साथ कैसे शरीक होने चाहिए, कैसे जीने चाहिए, कैसे करने चाहिए। उद्योगपति तो थे ही, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम ही होता है, लेकिन वो देशभक्त थे। बोले कि गाड़ी हो तो मारुति हर इंसान को पहुँचना चाहिए, तो इसलिए वो विचार टाटा कंसल्टिंग सर्विस विश्व में प्रगति की है, लेकिन यहाँ उनको चाहिए था कि वो छोटी से छोटी गाड़ी हर एक को पहुँचा। तो ये दोनों जो ऊपर के तरह से भी पहुँच पाए और यहाँ जमीन पर उनके पैर हमेशा रहे, ऐसे बहुत उदाहरण कम रहते हमारे देश में। आपके लिए भी निजी क्षति है, बहुत करीब थे आपके, आपसे बहुत लगाव था, आप अक्सर मिला करते थे बहुत सारे कार्यक्रमों में। अभी आप दर्शन करके, अंतिम दर्शन करके आए जी, बता पाएंगे क्या इसमें क्या माहौल है घर में? नहीं नहीं, माहौल तो पूजा पाठ चल रही है और उनकी संस्कृति पारसी संस्कृति के द्वारा वो चल रही है, और क्या बताऊँ मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता उसके। सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन इंसान और इंसानियत की मूर्त थे रतन जी। जी, मुझे एक दाखला बताते थे कि उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था लंदन में और उनको बुलाया गया था, और लास्ट मोमेंट उनको कैंसिल करना पड़ा वो ट्रिप। और कैंसिल क्यों किया? क्योंकि उनके उनका कुत्ता बीमार था और वो उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे। ये एक छोटी सी बात इतने बड़े उदाहरण रहती है। उनको लंदन में पुरस्कार मिल रहा था और निकलने को पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। ये बहुत लोग समझते हैं ये छोटी बात है, पर वो उनका बड़ापन हम सोच विचार नहीं कर सकते ये कैसे है। इस क्षति को कब कोई पूरा कर पाएगा? भारत में ऐसी विभूति का होना, ये हर दिल के भारत के रत्न हैं, और ऐसे भारत रत्न का खोना, क्या ऐसी कोई क्षति को कोई पूरा कर पाएगा? खोना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ी शख्स है, ताकत है। मैं उनका उदाहरण सुन के ही और समझ के ही मैं समझता हूँ काफ़ी रत्न हमारे देश में बड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिए और लोग उनको देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर कि ऐसे ही हमें रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात निरंजन हीरानंदानी जी ने कही कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो वो प्रेरणा देकर गए हैं, वैसे हजारों युवा भारत के लिए, देश सेवा के लिए प्रेरित होंगे और देश की तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।